लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी मतगणना जारी है। ऐसे में दिल्ली की हॉट सीट कही जा रही उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर कन्हैया कुमार, जो कि कांग्रेस की पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, वो फिलहाल मनोज तिवारी से पीछे चलते नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि मनोज तिवारी पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दाव लगाया था, जहां पर पूर्वांचली ज्यादा है उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर, और वहां पर पूर्वांचलियों ने एक बार फिर मनोज तिवारी को सराखों पर बैठाया है। कन्हैया कुमार ने कई सारे मुद्दे उठाए थे, रोजगार का मुद्दा उठाया था, साफ सफाई का मुद्दा उठाया था, सड़कों का मुद्दा उठाया था, लेकिन उसके बावजूद कन्हैया कुमार जो है वो यहाँ पर फिलहाल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कन्हैया कुमार का पिछड़ना यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर जहाँ पर अपने 3 उम्मीदवारों को उतारा था, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शानदार तरीके से यहाँ पर बीजेपी की सभी 7 की 7 सीटें एक बार फिर से सेफ नजर आ रही हैं। कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच जबरदस्त जंग की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मनोज तिवारी जो है वो बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि ये तो फिलहाल शुरुआती रुझान है, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच चल रही इस जंग में कौन बाजी मारता है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।